की धरती भी कहा जाता है। लगभग 50 लोग हैं जो शहीद हुए हैं, उनके सारे देवता बहुत प्यार से बताकर भेज गए हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ आज के मेरे मुख्यमंत्री जी साहब को मदद करवा चलाता है, उस साथ में आए हुए सभी मेहमान आज से हमारे जो भगवान मंदिर है विभागों ने मिलकर यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। हम सब जानते होंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में हमारे डिजिटल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान केशव जाट जी, जहां के हमारे लोकल डिजिटल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर सुदर्शन जी और सरपंच जितेंद्र जी, नेहरू युवा केंद्र के डायरेक्टर निसार साहब और डिप्टी डायरेक्टर सोम जी, और यहाँ पर एसडीपीओ प्रियंका जी पहले भी होते ही रहे हैं बर्थडे पर, लेकिन इस बार आपने देखा होगा हमारे जो खेलों के मंत्री हैं युवा हैं अपने अनुराग ठाकुर जी, और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ये अमृत महोत्सव के नाते पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभक्ति को उजागर करने के लिए लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई आज हमारे 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसी को लेकर यो भी कार्यक्रम होता है वो आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव को सामने रखकर किया जाता है। और आज भी आप देख रहे हैं कि भाई देश में 75 स्थानों पर ये बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, लेकिन आप सबको जो सुनकर हार्दिक खुशी होगी कि देश भर के जो 75 स्थान है यहाँ से ये बाइसाइकिल यात्रा, ये जो इवेंट है, ये जो कार्यक्रम है शुरू हो रहे हैं, तो 75 स्थानों में से एक स्थान जो है ये हमारा गुड़ा सरातिया दुगुना जो राजेंद्र सिंहपुरा, ये भी स्थान है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये खेल मंत्री जी ने ये जानते हुए कि भाई ये शहीदों की धरती गुड़ा सलातिया और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंहपुरा ये लोगों का, इन शहीदों का इस देश को आजाद करवाने के लिए तो ये स्थान उन्होंने चुना, इसलिए हमें अच्छा लगा। और आज हम देश के प्रति कुछ कर सके ये संकल्प लेकर, और फिर आज हमने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है कि विकास होगा, हम तंदुरुस्त भी रहेंगे, लेकिन इस देश को भी हमें आगे ले जाना है, इसका मान सम्मान भी बढ़ाना है, और देशभक्ति का
का जज्बा जो है ना वो हम सब में होना चाहिए और उन शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें आजादी दिलाई थी। तो आज आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो शहीदों को याद किया जाता है। मैं नेहरू युवा केंद्र और यूथ एंड स्पोर्ट्स जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके जितने भी ऑफिसर और विशेष तौर पर ये जो युवा यहाँ पर जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया इसको सफल बनाने के लिए जहाँ पर बाइसाइकिल लेकर आए, ये जो एनजीओ जो वीर प्रताप सिंह जो नौजवान जहाँ पर हमेशा पहले भी वो ऐसे इवेंट जो है वो करवाते रहते हैं, तो इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना तो रहती है, सेहत भी तंदुरुस्त रहती है। लेकिन बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे टोपी तो लगा दो यार, ये हमें पहले दिया था, पहले तो अभी पहन लेंगे। चलो सरपंच साहब को दे दो, चले ये रैली या रैली बोलो भारत माता की जय। ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਸਿਆਲ ਜੋੜ ਜੰਮ ਭੱਜਿਆ ਸਿਆਲ।
I'm sorry.
सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज सामने आइए, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा निसार सर से हमारे डीडीसी चेयरमैन श्री केशवदास शर्मा जी को सम्मानित करें। सर सामने प्लीज, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा निसार सर से आज के हमारे डीडीसी मेंबर सुदर्शन सिंह सलाथिया जी को सम्मानित करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा निसार सर से हमारे गांव के सरपंच जितेंद्र सिंह सलाथिया जी को सम्मानित करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा निसार सर से आज के हमारे फिजिकल डायरेक्टर एंड कोच हैं उनको सम्मानित करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा निसार सर से हमारे गांव के कर्नल जसवंत सिंह सलाथिया जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। बोले सामने देखिए जी, हेलो बोल बोले। अब मैं निसार सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे गाइडेंस एंड काउंसिल सेल के प्रेसिडेंट प्रज्वल सलाथिया को सम्मानित करें। अब अंडर 19 में जो रैंक थर्ड पे आए हैं एमपी सॉफ्टवेयर बेस्ट एप्लीकेशन को सर्टिफिकेट और मेडल देके स्मार्ट करें। सामने नुमान अर्शद रैंक टू पे आए हैं हर्ष सिंह। हर्ष सिंह अच्छा चलो हृदय के सामने आगे आगे अंडर 19 में जो फर्स्ट आया उनका नाम है सुनील कुमार। अब ओपन में जो रैंक 3 पे आया उनका नाम है राम राका स्वागत ओर से। Yes,
रैंक टू पे मानव राधा जम्मू से और जो ओपन में रैंक वन आया है वो है आयुष शर्मा जम्मू से। आयुष जल्दी कर ले। आयुष शर्मा जम्मू से। सबसे मुश्किल में जो था वर्ड ऑफ थैंक्स, मैं जो है नेहरू युवा केंद्र और स्पोर्ट्स जो हमारी एजेंसी है यहाँ पर जितने सारे आए हैं निसार साहब और जो है इन सब की तरफ से अपने एमपी साहब जी का जो है योगी किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और यहाँ पर गांव के आए हुए सारे बुजुर्ग बच्चे और जो है जितने भी यहाँ के लोग हैं जो इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया है उसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है कि प्रेजेंट किया। और उसी के साथ जो है सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो है ऐसा एक स्थल यहाँ पर हमने जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की जो इवेंट रखा था वहाँ जाने का और जो है वापस आने का इसे ग्रेट ग्रेट डालकर इतना बिजी शेड्यूल से निकाला है। और वार मेमोरियल में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जनरल साहब तो बहुत आए थे लेकिन एमपी लेवल पे जो है आके किसी ने वार मेमोरियल सर्विस की हो ये पहली बार मैंने जो है इतने सालों में मेरी भी 65 साल उम्र हो गई फर्स्ट टाइम पे देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज हियर प्रेजेंट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आगे भी भाई थोड़ा पीछे होकर ले लीजिए सारे सबका फोटो आएगा सर। तुम पूरा ग्रुप मारो पीछे। भारत माता की जय के नारे हो जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लाना है ओदी फाउंडेशन बनानी है प्लस उसी वो करना है अजे ओदी देख रेख जड़ी है तुसे लोकें ठीक है मैं अज गै ओदी चिट्ठी जड़ी है कटा करना तू दसो ना लबे है थोड़ा दिक्कत जिथे भी तुसें लाना हो तो आज ही व्हाट्सएप करो इनको भी ठीक है ये हमने चिट्ठी निकाल दी है और अब इसको एस्टिमेट रूट बनाना है तो बना लो ठीक है। ठीक है महाराज जी। ठीक है जी। चंगा फिर अच्छा जी चलो बिठाओ।